एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे NSCI बोला जाता है। ठीक है, तो ये नेशनल काउंसिल सेफ्टी ऑफ इंडिया जो है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल भी बोल सकते हैं, ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्या बताया गया है, ये यही है एक्चुअल में सेफ्टी के पीछे जो हाथ है वो इनका ही है, क्योंकि इनने सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया। क्योंकि क्या हो रहा था, जब एक्सीडेंट्स बढ़ रहे थे, जब मिनिमाइज़ किया गया डेंजर्स क्या क्या हैं, तो क्या करा, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, इनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए उनने सेफ्टी के लिए कितना अपन को कंसर्न रहना चाहिए, सेफ्टी हम कैसे रख सकते हैं, उन्हीं ने स्टेप्स उठाना शुरू किए। क्योंकि जब ये एक्ट बने थे, जैसे एक्सप्लोजिव एक्ट बना था, पेट्रोलियम एक्ट बना था, ठीक है, और बहुत सारे एक्ट बने थे, जैसे कि बिल्डिंग एक्ट भी था, इंडियन एटम एनर्जी एक्ट भी था, इंडियन बॉयलर्स एक्ट भी था। तो ये सारे एक्ट जब बने थे, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो था, उनके द्वारा ही बोला गया था कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। ठीक है, तो जो NSCI है, उनने क्या किया, रोड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी भी उन्हीं ने देखी, फिर सेफ्टी ऑफ हेल्थ एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी उन्हीं ने संभाला। ये सारी चीज़ें क्यों की गई, ताकि जो होने वाले एक्सीडेंट्स हैं उनकी वजह से हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो पहली जो शुरुआत हुई वो इन्हीं के थ्रू हुई थी कि हम सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो NSCI जो है वो यही समझा रहा है कि हमें सेफ्टी को प्रमोट करना है। ठीक है, जब तक हम सेफ्टी को प्रमोट नहीं करेंगे, हम खुद को सेफ नहीं रख पाएंगे। अगर खुद को हम सेफ नहीं रखेंगे, तो आगे की चीज़ों को कैसे सेफ रख पाएंगे, है ना। तो इसमें यही बताया गया है, देखिए होने वाले रोड एक्सीडेंट्स जो रहते हैं वो भी बड़े ही डेंजर्स रहते हैं। तो यहाँ पर इनने NSCI ने क्या किया, रोड एक्सीडेंट्स को भी लेके रोड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बनाई। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी कैसे बनाई, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई भी केमिकल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, किसी भी व्हीकल में भेज रहे हैं, तो वहाँ एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं। तो वो ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसके लिए मैं एक बार बताया भी था कि केमिकल हैंडलिंग रहती है इसमें। तो केमिकल हैंडलिंग जब हम करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी हम कैसे रखें, उसमें ये बताया गया था। तो देखिए, जब भी हम हैंडलिंग कर रहे हैं उस मटेरियल की, केमिकल मटेरियल की, तो हमें ध्यान रखना है जो भी मटेरियल उसमें जा रहा है, जिस भी कंटेनर में, वो लीकेज ना हो, वो ओवर फुल ना हो, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर कंटेंट ना होने पाए, और जो कैबिन क्रू रहता है, मतलब पीछे टैंक्स वगैरह, कंटेनर्स वगैरह रहते हैं, आगे के जो कैबिन रहते हैं जिसमें ड्राइवर और उनके साथ के मेंबर्स बैठे रहते हैं, उनके बीच एक फायर सेफ्टी सील लगी रहती है, जिससे कि आप उस कंटेनर तक ना पहुँचने पाए। ठीक है, तो ये तो बात हुई उसकी रोड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी की। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सेफ्टी ऑफ हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी संभाला। उसमें क्या किया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, वहाँ भी बहुत सारे एक्सीडेंट सामने आते थे, बहुत सारे होने वाले एक्सीडेंट्स की काउंट्स की, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैं आपको एक बार अभी सेफ्टी कमेटी पढ़ा चुकी हूँ। सेफ्टी कमेटी जो जनरेट की गई, जो प्लान था, वो यहीं से जनरेट हुआ कि आप इस तरीके से अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर यही है कि सेफ्टी के लिए कि प्रमोशन करना, सेफ्टी को प्रमोट करना, हर सेक्टर में, हर फील्ड में, जिस भी तरीके से हम कर सकते हैं वो आगे करना। ठीक है, इसी तरीके से और भी ऐसे काउंसिल्स हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, कुछ इंडिया से बाहर भी हैं, तो ये काउंसिल्स यही हैं कि देखते हैं, मेंटेन करते हैं आसपास के एरियाज़ में होने वाले एक्सीडेंट्स कैसे हो रहे हैं, उनके लिए अब नए स्टेप्स क्या निकालने हैं, ये सारी चीज़ें टैकल करते हैं। ठीक है, तो ये सेफ्टी डिपार्टमेंट ही रहता है एग्जैक्टली में, तो जो कि सारी चीज़ें नोटिस करता है कि क्या हो रहा है। सेफ्टी इंस्पेक्टर वगैरह जो रहते हैं, वो इंस्पेक्शन करने जब जाते हैं, तो यहीं के इससे भेजे जाते हैं, ताकि आगे जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनकी जानकारी आ पाए, क्यों हो रहे हैं, क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। साथ ही इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि फायर रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, तो ये देखिए इसमें यही रहता है कि आपको पहले देखना होगा कि कैसे क्या आग लग सकती है, उन सब चीज़ों को देख के एनालाइज करके उनके प्रिवेंशन देना। रिस्क असेसमेंट भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप उससे पढ़ के फिर इसको देखिए, उसमें आपको पता चलेगा
फायर रिस्क असेसमेंट यही है कि आपको होने वाले जो फायर से होने वाले एक्सीडेंट्स हैं उनको आप कैसे टालें, क्या प्रिवेंशन रखें। तो प्रिवेंशन अगर दे देंगे तो एक्सीडेंट नहीं होने पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरीके से रिस्क असेसमेंट अपन कर सकते हैं, फायर रिस्क असेसमेंट, ठीक है। साथ ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट इसमें यही है कि लेबर सेफ्टी, लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेबर सेफ्टी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप जिस भी लेबर को लेकर वर्क कर रहे हैं उसे ट्रेनिंग दें, उसको बताएं सारी बात कि देखिए इस तरीके से आपको सेफ्टी रखनी है। जब आप उनको ट्रेंड कर देंगे तो आपका काम जो है वो आसान तो होगा ही, साथ ही आप सेफ्टी वहाँ पर मेंटेन हो पाएगी, ठीक है। तो ये जो है NSCI वो यही बता रही है कि आप किस तरीके से सेफ्टी रख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने ही पहले बताया था कि आप कैसे सेफ्टी रख सकते हैं। सेफ्टी प्रमोशन एक्चुअली इनके द्वारा इंक्रीज़ हुआ, इनके थ्रू सेफ्टी प्रमोशन जो है वो इंक्रीज़ हुए और उस सेफ्टी को प्रमोट किया गया कि हाँ हर सेक्टर में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी किसी साइकिल जो है ग्रीन ट्राइंगल फायर फॉर सेफ्टी, ठीक है। ग्रीन ट्राइंगल फॉर सेफ्टी का मतलब यही है कि हर तरफ हमारी ग्रीनरी रहे, मतलब कोई भी एक्सीडेंट ना होने पाए। ग्रीन मतलब अ गुड साइन, है ना। तो यही इंडिकेट वो कर रहा है कि हमारा जितना भी ट्रायंगल रहे वो सेफ रहे, ग्रीन रहे, ठीक है। तो इसका ये भी एक मेन मोटिव है कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी तरीके का हार्म ना हो पाए। तो जब सेफ्टी रहेगी तो हम बहुत हद तक अपना एनवायरनमेंट भी सेफ रख पाएंगे, है ना। तो यही था आज के वीडियो में। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बता रही थी कि इनके इनके आइडियाज़ क्या कहते हैं, इनके थॉट्स क्या कहते हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो यही सारी चीज़ें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई। पूरा बस यही बताने का मतलब था कि इस तरीके के कुछ काउंसिल्स होते हैं, जो कि सेफ्टी को प्रमोट करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, और इनसे बहुत सारे बेनिफिट भी हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको नेशनल काउंसिल सेफ्टी ऑफ इंडिया के बारे में बताया। सो थैंक यू।